राम। जय श्री राम पंडित जी। पंचमुखी हनुमान जी अनादि काल से यहाँ पे कई बार बसावट हो गई, कई बार उजड़खंड हो गया। बाबा जब अधर्म बढ़ता है तो अपना समाधि ले लेते हैं, तब कोई भक्त आदमी आता है, इनकी साधना करता है तो भगवान प्रकाश में आ जाते हैं। विगत 150 साल पहले यहाँ पे बसावट थी, दातलगढ़ नाम से था। ढाकड़ जाति के, ठाकुर जाति, मीणा जाति के लोग रहते थे। किसी बात पे आपसी विवाद हो गया, किसी ने बली अली चढ़ा दी थी बाबा को, बताते हैं बड़े बुजुर्ग, तो एक रात में सब उजड़खंड कर दिया। आज जब ये खुदाई करते हैं तो पुराने अवशेष मिलते हैं बसावट के, और बाबा ने अपनी समाधि ले ली, पंचमुखी रूप में है ये। उसके बाद में नीचे गुरु जी है, वो 95 में यहाँ पे आए, उन्होंने बाबा को भजन करके 3 साल आराधना करी, और इन 3 साल की आराधना में बाबा ने उनको दर्शन दिए। उसके बाद में लोगों के काम होने लगे, भक्त लोग आने लगे, अंधों को आंखें मिलने लगी, लूले लगने चलने लगे, बड़े बड़े चमत्कार बाबा के होने लगे, ऐसे ऐसे भक्त बढ़ने लगे हर साल। ये नेचुरल है बाबा, कोई प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है ना मैया, इधर अभी कोई टूटा है ही नहीं। तो बाबा नेचुरल है और पंचमुखी रूप है इनका, अंदर नागों का दरबार है, नेचुरल है सारा, कोई बनावटी वो नहीं है। ये सिद्धियाँ बड़ी भारत करवा दी, एक आदमी सीधा नहीं घुस पा रहा था, इतनी सक्रिय मूर्ति से दिखा दी। और ऊपर नरसिंह भगवान है पहाड़ी के ऊपर, जैसे बालाजी महाराज के वहाँ पे अर्जी वो एक दरखास्त के दो लगते हैं, उसी प्रकार से यहाँ लगते हैं, वो बाल रूप में, ये विराट रूप में। पंचमुखी हनुमान जी है, मेहनती जी है, गुरु महाराज महेश दास जी महाराज, उन्होंने इनकी भजन पूजा करके और बाबा को चेतन किया, आज बाबा भक्तों के काम कर रहे हैं। जय श्री।